in the middle of the Burma. Soldier bomb always sometimes. Big fighting. Thai, Lao, Burma, is anime, nandime, trying to go, bataega. What's this? Natural makeup. What are you looking? Oh. He has friends here, a foreigner. I sell them some gem jewelry, yes. Something like that. Is it okay now in Myanmar? No, not easy. Big problem. National fight. Many Burmese come of them in country, right to be Thailand. Somebody without visa, somebody have visa. Problem with the government. Soldier, they want out, they occupy the power. People, they're scared to stay, you know. Airplane, they bomb and make fire, town or village anywhere. Me online. He make this problem. China border have Laos border, have Thai border, India border. People move, anybody move other country. No house, no food. Halamat tignay na uspar esiliya nerita. तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यहाँ पर बर्मीज भी वर्क करते हैं, बिकॉज पूरे थाईलैंड में बर्मीज बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे हर जगह पे. सो ये भाई साहब भी बर्मा से ही हैं. आपको हिंदी आती है? डोंट नो. वो बर्मा हिंदी आती है? हाँ. ओके, इट्स ओके. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन? या 20 ईयर ओवर. ओके, व्हाट्स योर नेम? My name is Mohammed Yusuf. Nice to meet you. Walaikum salam. Walaikum salam. So how's it going over here? Matlab, kaise mil raha hu aapko? The language barrier we have right now, that's just different. Okay. Many Burmese are in market. In the market, right? Yes. And many Burmese come over here for shopping. Yeah. Right? And Thailand people go over there. Yes. Right? Yes. And a lot of places. And was there scene about boating experience? Was that? I've heard about that boating experience. Borapest. Pass? Yes. Yeah. 400-500. Come on. Kiss me. Kamal bhai. Come on. Yeah. Like. I'll go. Okay. I'll go. Okay. Okay. I'll ask. Thank you. So, भाई साहब ने काफ़ी कुछ मेरे को नॉलेज दे दिया. कमाल भाई, व्हाट्स योर नेम? अबुल हाशिम. अब्दुल हास अबुल हाशिम. यू नो हिंदी? थोड़ी. अच्छा, अबुल हाशिम साहब, आप कब से हैं यहाँ पे? जी, कब से हैं यहाँ पे आप? बर्मा से. आप बर्मा से हैं, लेकिन यहाँ पर कब से हैं? यहाँ आप रह रहे हैं या वापस जाएंगे बर्मा? नहीं, हम इस पर रहता, इस पर घर करिया करके रहता है. यहाँ पर जी? यहाँ पर आप आते हैं? जी. आते हैं डेली? नहीं, एक हफ्ता में एक दफ़ा जाके बॉर्डर पास करते हैं. अच्छा, एक हफ्ता आप वहाँ पर जाते हैं एंड बॉर्डर पास लेते हैं एंड देन यहाँ पर आते हैं? जी. फिर रहते कहाँ पर आप यहाँ? यही वी रेजिडेंट में रहता है. अच्छा, ये वी रेजिडेंट में? जी. अच्छा, ये प्रोवाइड करवाते हैं? क्या चार्जेस लेते हैं पर डे के हिसाब से? हिंदी इतनी नहीं आती ना. हाउ मच दे गाइस चार्ज फॉर अ डे? देखो, वो महीना, एक महीना को 1650. ओ अग्नि का पैसा, वो पानी का पैसा होने से 2000 का ऊपर आता है. ओ, 2000 भाट से ऊपर आता है. हाँ. ओके, सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये उनका कैरियर लेके बैठा है. अच्छा, उनका है जी. अच्छा, आप नहीं लेके आते ये? ये सामान मेरा है ना, ये जगह. हाँ, ये बर्मा से लेके आते हैं आप? बर्मा से भी है, थाईलैंड से भी है. मिक्स रहते हैं जी. और ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते होंगे? है नहीं, बहुत सारे बड़ा बड़ा मसला. और हर कपड़े बेचते हैं और खाने पीने का आइटम्स बेचते हैं, है ना? सब खरीदता है, सब तरीके से चलता है. और यहाँ पर बर्मीज आते हैं और थाईलैंड के वहाँ पर जाते हैं? बर्मीज भी है, थाई भी है. वो थाई मेहमान लोग आके घूमने को आया ना, वो लोग को बेचने से अच्छा है. बर्मीज का आदमी आने से इतना व्यापार अच्छा नहीं है ना. इतना व्यापार अच्छा नहीं है. बट बॉर्डर अगर क्रॉस करके जाते हैं तो मार्केट ऐसी ही है यहाँ पे? वहाँ पर भी बॉर्डर में उस पर ऐसा व्यापारी है ना, दुकान ऐसा, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये सेम इस पर जैसा उस पर भी ऐसा है. अच्छा, मतलब सेम ही है.
और वो बोट में जैसे खेलते बोट में बैठाते हैं और इधर से खींचते हैं उधर से खींचते हैं, वो क्या चीज़ है? सामान उस पर सस्ता है ना, इस पर थोड़ा महंगे है ना। अच्छा, वहाँ पर सस्ता मिलता है और यहाँ पर महंगा है। बर्मा पर सस्ता मिलता है। थाई बात चलता है वहाँ पे? वो बोटर में तो थाई बात है ना। हाँ, वो चलता है वहाँ पे? चलता है। नाइस। बोट अंदर बोट में भी कुछ बैठाते हैं ना, बोट नाव? बोट इधर में नहीं ना। इधर नहीं है? इधर नहीं, वो मैखाओं का दरिया में है। मैखाओं के दरिया में है, वहाँ पर खींचते हैं like बर्मा से खींचते हैं, वो म्यांमार से खींचते हैं। एंड वो गोल्डन ट्राइंगल है ना, गोल्डन ट्राइंगल उधर में है, बोट है। वो ये करते हैं, वहाँ पर भी पासपोर्ट चाहिए रहता है जी, वहाँ पर भी पासपोर्ट चाहिए। कितना कितने पैसे लेते हैं वहाँ पे? वहाँ थोड़ा महंगा होगा, इधर में वो पार है ना। हाँ, इसीलिए सस्ता है। एक हफ्ता को हम लोग एक हफ्ता का वो वीज़ा लेके आने से आने का टाइम में 20 रुपया, वापस निकल का टाइम में 10 रुपया एक हफ्ता में। ये तो अच्छा है फिर, अच्छा बहुत अच्छा है। और वहाँ पर जैसे कि मैं टूरिस्ट हूँ और वहाँ पर जैसे मैं जाता हूँ गोल्डन ट्रायंगल, नाव में बैठने के कितने पैसे लगते हैं? नाव में बैठने को आप वो जिनसे में हाई गोल्डन ट्रायंगल में भी हाई वो घूमने का है, खाली घूमने का वो ठाव ठाई लाओ बर्मा ऐसा पानी 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 में नंदी में ऐसा ट्रायंगल को बताएगा और वापस चल जाएगा। अच्छा, ऐसा है खाली गोल्डन मेकोंग रिवर ही है ना, वो पूरी पूरी मेकोंग रिवर है। मेकोंग रिवर वो। ओके, गोल्डन ट्रायंगल ऐसा है ना, जैसा बोला गोल्डन ट्रायंगल ऐसा है वो जमीन है। ओके, अबुल हाशिम जी। अबुल हाशिम, थैंक यू सो मच, यू बीन सो हेल्पफुल, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपने, थैंक यू। थैंक यू मित्र। हे क्यूरी, व्हाट्स योर नेम? नेम 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 योर नेम सॉरी चालो ला सॉरी चालो ला हेलो हेलो सॉरी चालो चालो ला ए व्हाट्स दिस व्हाट्स दिस तनखा मेक योर कमाल दस for same like the natural makeup. Makeup? But it's natural, I guess. Natural tree. And make. Okay, tree. Like, oh, wood powder. Yeah, wood powder. Oh, many people are wearing this, right? In Burma, they spend this only. Oh, tree cutting about the rough after. Good cream. Good for skin. Good for skin. Oh. Okay. Nutshell. Or same like then sandalwood. Nutshell. Natural. In Burmese language is then tanaka. Tanaka. Yes. Tanaka. Oh, this is the product the guys use. This is water, little. And food, slash, butter. सो गाइज, इसको पानी डाल के हल्का सा उसके बाद इसको घिसते हैं और काफ़ी हैवी है। और व्हाट डू कॉल दिस अगेन? तनखा। नटशेल वुड, नटरी और तनखा, इसको बर्मिस में तनखा बोलते हैं। इसको घिसते हैं, हैंडल लगाते हैं, बेबी लगाया हुआ है। यू हैव दिस राइट? यू हैव दिस जो काई। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, you've been helpful, thank you. Where are you from? I'm from India. How long you travel? It's been 5 months, almost, yeah. Only Thailand? No, Vietnam, Cambodia, Laos, here, then Indonesia. Alone? Yeah, solo. Why you travel alone? You don't have married? No, I'm not married yet. Oh yeah? Yeah. So better together to travel? Together is kind of hectic. I like this way. Maybe girlfriend? Yes. He has friends, yeah. Foreigner. Foreigner? Many foreigner? For a long time, they in the, on the bride. Yeah. Sailing? Stone and... Before I work with them, traveler, I sell them some gem jewelry, something like this. Oh, you used to sell gems and jewelry. Yeah. Why did you stop that?
97, I think, they stopped them. World Center, they don't want Burmese game after, and that's I lost. That's what. So after this, I sell sunglasses. Is it okay now in Myanmar? Is it okay now? No. Not easy. Big problem. Big problem. National fight. National crisis. Yes. That is why people coming over here. Yeah. Many Burmese come out them in country, arrive to be Thailand. Somebody without visa. Somebody have visa. So, cause for work for the problem with the government soldier, they don't want to. They don't need to give the Democratic. They don't like Democratic. They want out. They occupy the power. So, people they scared to stay. You know, public they not like to stay there because soldier is bomb always. Sometimes make fire. Yeah. Every time bombing? Yeah, make fire, the town or village. To civilians? They kill civilians? Soldier make big problem, so that means people cannot stay in Burma or what. Okay. The border, no problem. The border, no problem. In small village? In that border is the not happen, nothing happen. In the middle of the Burma, big fighting. Airplane, they bomb. And make fire or town or village anywhere. Why the guys are doing this? People, they don't like soldier. They want a freedom, democratic. So soldier, they don't give. It's kind of becoming like Pakistan and Korea. Oh, yeah. What do you think? Pakistan is like this only. East and West before have 73. Exactly, like Bangladesh yeah, and yeah. Pakistan, yes. Right? Yeah, same like this. Similar. Is there any leader who's protecting you guys? Me online. Me online? Leader of the soldier. Leader of the soldier. Leader of the soldier. Leader of the soldier? Me online. Me online? Yeah. Is he good? He make this problem. He occupied power. Then who's defending you? There's nobody who's defending you, protecting you. No, nobody. Nobody. This is like really tough. Soldier occupy the power. After then, this in Burma they spend democratic about only 4 or 5 years. After then, he occupy again. So people they don't like. This is a big problem. Big problem. Break nation. It is breaking nations. It is making a problem for people who are living over there. Because I think most of the people near the country, border, have China border, have Laos border, have Thai border, India border. People move, anybody move other country. They cannot stay because they don't have to live in no house, no food. So how do they stay? Do you think it will get better soon? Do you think? I don't think so. You don't think? Not soon. Can be a long time, I think. Have take time. Even not take time, can be not busy. I'll pray that it'll get better soon. I'll pray. Yeah, I be pray, but it's cannot possible because have nation 135 nation kind of nation. Everybody touch gun, kill soldier. Soldier be kill again. Soldier people have public have gun one or two, for example. Soldier have gun everything. So, soldier and public, who can win? Sure. Soldier win always. Yeah? So, I have gun. I occupy the power. What can you do? I don't care. He said like this. Don't be trouble. Next part. No, I heard about this. That's why I didn't go over there. I was about to go over there, but I didn't go over there. Don't go.
No. Don't go, because for you, it's a no problem. And they have the specially travel, they have the specially way. But where you like to travel, they not give you chance. Guy take where, just there. You cannot travel yourself. Okay. सो गाइज गाइड जहाँ पर मुझे लेके जाएंगे मैं वहीं पे ट्रैवल कर सकता हूँ बर्मा में, और कहीं नहीं ट्रैवल कर सकता है. और अभी बर्मा में ट्रैवल करना सेफ नहीं है ऐसा अंकल जी मुझे बता रहे हैं. सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम ओवर देयर. अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर. तो जस्ट प्रे कि सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए और सबके काम अच्छे से चलने लग जाएँ और सब अच्छा खासा अपने देश में जाके अच्छे से. कोई भी बाहर नहीं रहना चाहता. आप यहाँ पर रहना चाहते हैं? नहीं, हम यहाँ रहता. हाँ, लेकिन जब ठीक हो जाएगा तो घर घर उस पार है ना, घर को करियर दे के इस पार आके रहता है. क्या वो हलामत ठीक नहीं है उस पार, इसीलिए नहीं रहता, इस पार आके छुपा के रहता. मेरा व्यापार इस पार है ना. हाँ. इसीलिए इस पार रहता है. वो पार बंद हो गया 3 साल कोविड का टाइम में ना. हम वो टाइम में भी इस पर रह गया, घर को दूसरा को करियर दे के इस पर रह गया. घर वो जो जहाँ से अंकल आते हैं वहाँ पर घर को किराए पे देकर यहाँ पर किराए पे रहने आते हैं और यहाँ पर दुकानदारी करते हैं. जब कोविड का टाइम चल रहा था तब भी ये यहीं पर थे, वहाँ पर किराए पे घर चढ़ाया हुआ था. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर अभी फ़िलहाल चल रही है. जस्ट प्रे गाइस के सब कुछ ठीक हो जाए, सब अच्छे से चले, हम भी वहाँ पर जा सकें, देख सकें. म्यांमार बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, तो वो भी देख सकें, उधर भी एक्सपीरियंस ले सकेंगे कैसे क्या लोग कल्चर कैसा होता है उधर के, क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है, क्या क्या फैक्ट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे. हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत सारी हैं, एंशियंट चीज़ें बहुत सारी हैं, तो काफ़ी कुछ है वहाँ पर भी देखने के लिए. जस्ट प्रे कि सब कुछ ठीक हो जाए तो हम जल्दी वहाँ पर भी जाके ट्रैवल कर सकें. थैंक यू सो मच अबुल हासिमिन जी, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. होप टू सी यू सून. टेक केयर.